दोस्तों, आपने न्यूज़ देखी होगी कि यूपी के दो भाइयों ने अपनी वैगनार को हेलीकॉप्टर में कन्वर्ट कर दिया है। ये एक्चुअली जो बच्चे टीवी पे डोरेमोन देखते थे ना, वो अब बड़े हो गए हैं और उन्होंने अपने आविष्कार दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया है। ये किसी आविष्कार से कम नहीं है, ये दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर है जो CNG पे चलता है। सड़कों पे तुमने जितनी भी वैगनार देखी होगी, सब ऐसा डब्बे जैसी लगती है। ये पहली एरोडायनामिक वैगनार है। मारुति सुजुकी वालों को इन दोनों भाइयों को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लेना चाहिए। पर इन्होंने ऐसा किया क्यों? आई थिंक ये जो ओला और उबर ने इमेज खराब की है ना वैगनार की, ये बेचारे अपनी गाड़ी लेकर निकलते होंगे, सड़क चलता कोई भी आदमी हाथ दिखा रहा है, OTP दे रहा है, ऊपर से फ्लाइट ट्रैवल महंगा हो गया है, एक्स्ट्रा लेगरूम के 500 रुपए ले रहे वो लोग, तो इनको लगा वैगनार का सीट पीछे करेंगे, खुद ही उड़ के जाएंगे। कुछ भी कर लो, देखो स्पाइस जेट से तो ज्यादा ही कंफर्ट मिलेगा ना। इंडिया में इज्जत ही नहीं है यार इनोवेशन की। ट्रैफिक पुलिस वाले पहुंच गए इनके घर पे, इनको बात ही नहीं करनी चाहिए उनसे कि आप ना जाके नॉर्मल कार बाइक वालों को पकड़ो, हम सिर्फ एयर ट्रैफिक पुलिस से बात करते हैं। सिर्फ एक दिक्कत है इस हेलीकॉप्टर में, इसको फर्स्ट गियर में उड़ाते टाइम अगर AC ऑफ नहीं किया ना, तो ना हो रहा है टेक ऑफ।